तो कहते नहीं है। वाओ, इतनी ईद इकट्ठी हो गई है। अभी तो और होगी। अभी और नहीं है। स्क्रब का मुझे जो ज्यादा शौक फेस से ज्यादा यहाँ पे होता है लिपस पे करने का, लिपस पे। कोको कोला की बॉटल में तेल डाला हुआ है यार। तो आपने कहा मैं कोको कोला में डाल लेती हूँ। नहीं नहीं, जो ना थी वो खाली करके कहाँ रखी है, तो ये तो एक्स्ट्रा था ना इसमें। अच्छा, बाहर से लेके आई थी कई साल का। अच्छा, एक्स्ट्रा तेल हो गया था। गुड, घर में हमारी जो स्टाइलिश है वो मिल नहीं रही। वाह, मैंने अपना ईद का जोड़ा इस्त्री कर लिया। अब बस इसको यहाँ पे ना सेट करके तो मैं जा रही हूँ लड़कियों को जगाने के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि आज ईद है और हमें उठ के तैयार होना है। ये क्या कर रही है? उठ जाओ यार, ईद है, उठ जाओ यार। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के बयालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लेता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है, आई लव यू बकरे। हाँ, तो सैड सीन कर रहा है। मैं पता
बहुत से लोग जो हैं वो गोश्त भी नहीं खाते हैं, बहुत से लोग जो हैं इस ईद पे भी चिकन खा रहे होते हैं, दाल खा रहे होते हैं, और अगर गोश्त कुछ लोग खा भी लें तो वो कलेजी बिल्कुल नहीं खाते हैं, बट आई रियली लव कलेजी। अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह, कुर्बानी से हम लोग हो गए हैं डन, और अब सिलसिला जो है वो शुरू होने लगा है खाना बनाने का। और खाने में कुछ जो डिशेस हैं वो जो ईद के पहले दिन बनती ही बनती हैं दोपहर में लंच टाइम, वो है ये कोरमा। ये बहुत ही आला किस्म का कोरमा बनता है, और इसके साथ बनती हैं नमकीन चांपें, ठीक है, ब्लैक पेपर और नमक, दैट्स इट। ये मिर्च चटनी मस्त है, और इसके साथ सैलड। अब अम्मा सर्विंग स्टार्ट कर दी है अम्मा ने, अब हम सारे बच्चे मिलके इसको टेबल पे लगाएंगे और बड़ों को बुलाएंगे कि भाई आ जाएं, खाना लग गया है, खाना तैयार हो गया है, अब आ जाएं। सो या मैं पास खड़ी होकर बड़े मज़े से वीडियो बना रही हूँ, और फिर मैंने ऊपर मिर्चों से उसको थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन में और ख़ूबसूरती में इजाफा करना है, उसको थोड़ा सा मेकअप करना है। सो लें जी, दिस इज़ द फाइनल थिंग, इससे भी डन हो गए हैं, अब लगाना शुरू करते हैं इसको टेबल पे और मज़े से खाते हैं। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपना ईद का ब्लॉग खत्म। ईद से पहले जो एक दिन ब्लॉग डाला था, सी आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग दैट आई प्लान्ड इन माई माइंड, कि यार मैंने ईद पे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। खैर 80% ऑफ द थिंग्स दैट आई प्लान आई एग्जीक्यूटेड देम, बट स्टिल जो 20% रह गई हैं उसमें एक टॉप वाली चीज़ है जो ईद की सुबह की नमाज है, वो मिस की है, बहुत रिग्रेट है मुझे। आई वॉन्टेड टू ऑफर दैट प्रेयर एंड आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड that as well, because वो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है, सारी आंटियाँ आ रही होती हैं, हम मिल रहे होते हैं, ईद मुबारक है, वो तो वो मिस हो गया है, रिग्रेट है, लेकिन चले कोई नहीं, चलता है, अगली ईद आए, अल्लाह अगर दिखाए तो अगली ईद में ज़रूर उसको रिकॉर्ड करेंगे। और क्या बात हो गई, या आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस ड्रेस। आई वॉज वेरी अनकॉन्फिडेंट बिफोर वेयरिंग दिस ड्रेस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार है कि बोटियाँ वाला रंग है तो बोटियाँ वालियाँ सारी चीज़ें। सो लेकिन मेरी दोस्त जिसने मुझे उसने सेम इसी तरह का ड्रेस लिया है, बलहदा बात है उसने सिलवाया नहीं है, वरना उसके साथ पहन के मैं ट्विन करके दिखाती हूँ आपको। खैर तो इस तरह का जज्बाती रंग, तड़पता धड़कता सा पहनने में मुझे मसले बड़े हो रहे थे, लेकिन अब मसले वो सारे क्लियर हो गए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द पिक्चर्स दैट आई क्लिक्ड एंड ऑल द वीडियोज़ दैट आई हैव मेड फॉर माई व्लॉग। तो ये सीन है, खाया पिया ज़्यादा नहीं जा रहा है, गर्मी बहुत है, अभी भी आप देख रहे हैं मैं छत पे हूँ, और पसीना बहुत ज़्यादा आ ही जा रहा है। ऑल्दो हवा चल रही है पर लेकिन फिर भी बहुत हबस सी है, और पसीना बहुत आ रहा है, और बीपी लो करने वाला पसीना आ रहा है। खैर आप लोग ख्याल रखें, पानी में नींबू निचोड़ के हल्का सा नमक डाल के, चीनी ना डालिएगा, वो प्योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और यार व्लॉग मेरे तुम लोग देखते हो, ठीक है, तो इसको लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो मेरा चैनल, और कमेंट भी ज़रूर किया करो, और कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का करना, मुझे बताया करो कि किंजू तुम्हारी ये वाली चीज़ जो ब्लॉग में है इसको हमने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, और ये वाली जो चीज़ है किंजू बस ठीक है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और किंजू ये वाली तुम्हारी चीज़ है जिसको हमने बहुत बुरे तरीके से जज किया है, और किंजू तुम्हारी इस वाली चीज़ को हमने बहुत बहुत नफ़रत किया है, किंजू ये वाली चीज़ जो है दोबारा से बनाना, और किंजू ये वाली चीज़ है जो अभी तक तुमने ट्राई नहीं की है, इसको बना के हमें ज़रूर दिखाना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यार ज़रूरी होती हैं, दुआओं में याद रखो, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर से मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।